इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लास टेंथ के एक्सरसाइज का प्रोज सेक्शन के। एपी बोर्ड का प्रोज सेक्शन होगा, चैप्टर का नाम है टॉर्च बियरर। इसमें देखिए, टॉर्च बियरर के आपको पता है दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू, तो वो हम दोनों पार्ट्स के मैच द कॉलम देखेंगे, क्योंकि प्रोज से नॉर्मली मैच द कॉलम ही एग्ज़ाम में आता है। आप चाहो तो आप इससे पहले के चैप्टर्स के भी मैच द कॉलम देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आई गेस। मैं उम्मीद करता हूँ, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, खासकर फ्यूचर में आपके पढ़ाई के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं, अब हम वन टू वन मैच द कॉलम देखेंगे और उससे उसकी कैसे उसकी मीनिंग पकड़ते हैं, चेक कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सॉरी, लिस्ट ए लिस्ट बी, नॉर्मली ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सॉरी, ये कन्फर्म नहीं है कि चार वर्ड आते हैं कि पाँच वर्ड आते हैं, लेकिन आते जरूर, हो सकता है छः वर्ड आ जाए, लेकिन नॉर्मली वर्ड आते हैं आपके चार, नॉर्मली आप मान सकते हो, पांच भी आप मान सकते हो, क्योंकि पांच चार आ सकते हैं। और सॉरी, इस मीनिंग लिस्ट आप चाहो तो लिस्ट ए से मीनिंग निकाल सकते हो, आप चाहो तो लिस्ट बी से मीनिंग निकाल कर फिर आप मिला सकते हो। यानी कि नॉर्मली हमें पैटर्न हमें क्या सिखाया जाता है कि लिस्ट ए से मीनिंग मिलाओ और लिस्ट बी से मिला लो, आप लिस्ट बी से भी मिला सकते हो जिसमें आपको आसानी लगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, मिलाते हैं लिस्ट ए से, पहले कोशिश करते हैं। ओवर पावरिंग, नाम से क्या लग रहा है, ओवर मतलब ज़्यादा होता है या ऊपर, अब पावरिंग मतलब पावर, ताकत, तो ज़्यादा पावर, नॉर्मली ये मीनिंग आप निकाल सकते हो, जिसकी जिसको एग्जैक्टली कुछ कुछ मीनिंग आती है। क्रुक, नहीं पता, मान लो आपको नहीं पता। आर्ग्यू, तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि मुझसे आर्ग्यू कर रहा है, तो नॉर्मली आप कुछ ना कुछ समझ रहे हो कि ये क्या है। प्रोटेस्ट, ये तो क्लियर है आपको, प्रोटेस्ट मतलब किसी का विरोध करना। तो लिस्ट बी में देखिए लिखा है टू स्पीक अगेंस्ट, समझ गए होगे इसका मीनिंग क्या होगा। टू डिस्कस विद रीजनिंग, मतलब किसी चीज़ पे बात करना, वो भी रीजनिंग के साथ, कारण के साथ, तो देखते हैं उसकी मीनिंग क्या होगी। वेरी स्ट्रांग, बहुत ताकतवर। डिसऑनेस्ट पीपल, डिसऑनेस्ट पीपल मतलब कि जो ईमानदार व्यक्ति नहीं होता है, तो वेरी स्ट्रांग, तो आप ओवर पावरिंग बोल सकते हो। टू स्पीक अगेंस्ट, किसी के खिलाफ बोलना, तो प्रोटेस्ट करना एक तरीके से। आर्ग्यू, डिस्कस करना एक तरीके से, रीजनिंग के साथ, कारण के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। देखिए, मैच करना जरूरी नहीं कि आप ऐसे जैसा मैंने बताया वैसे ही मैच करना, आप चाहो तो नॉर्मली पीछे वाला ही वो यही पैटर्न लेकर आप ओवर पावरिंग को वेरी स्ट्रांग से आप नीचे की तरफ झुकाकर एरो मिला सकते हैं, ठीक है ना। एरो इस तरीके, एरो तो बनेगा इसी तरीके का, एक तरफ का एरो, ठीक है ना। सॉरी, तो ओवर पावर, मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छी बात नहीं होती बार बार अगर बीच में आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ओवर पावरिंग, वेरी स्ट्रांग। क्रूक, dishonest people. argue, to discuss with reasoning. protest, to speak against. तो second जो आपका list होगा, list B, list A, चलिए इसमें list B से देखते हैं। burnt file, burnt का second या third form बोल सकते हो, fire मतलब आग, तो आग से related कुछ है ये। secret, आपको पता ही है क्या होता है। sufficient हो सकता है आपको ना पता हो। worked hard, इसका मीनिंग आपको पता हो, कठिन परिश्रम। अब मिलाते हैं इसको। mystery, रहस्य, तो सीक्रेट्स का किससे मिलेगा आपको पता चल गया। इनफ, कि इतना बहुत है, मान लीजिए आपको इसका मीनिंग नहीं मिल रहा है कौन सा ये है। टोल्ड, इसका मीनिंग आपको नहीं मिल रहा है। क्रीमेटेड नॉर्मली हिंदुज़म में होता है, हिंदू में होता है, कोई ज़रूरी नहीं और भी कई धर्म होते हैं, लेकिन नॉर्मली हिंदू में, हम इंडिया की बात करें तो हिंदू में नॉर्मली होता है और भी जगह भी होता है कि लोगों को जलाया जाता है मरने के बाद। तो बर्नड फायर, आग से क्लियर हो गया आपको क्या होगा। और टोल्ड बचा हुआ है और इनफ, तो देखिए इनफ सफिशियंट ये कुछ वर्ड रिलेटेड है। आपको प्लीज़, अगर आपको मीनिंग ये सब नहीं आ रही है तो आप मैच द कॉलम कभी नहीं कर पाओगे। आप अगर मेरा छापोगे तो आप एग्ज़ाम के लिए तो तैयार हो जाओगे, लेकिन प्लीज़ आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश करें। हिंदी की मीनिंग भी याद करें, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा। आपकी बुक में भी पैटर्न इस तरीके से ही नॉर्मली दिया रहता है, 11 12 में तो कंफर्म दिया रहेगा। फिर अब समझ गए, मिलाइए देखिए। मिस्ट्री का सीक्रेट, इनफ का सफिशियंट, टॉयल्ड का या टॉयल्ड का वर्कड हार्ड, क्रिमेटेड का मैंने बताया, बट फाइल। फिर लिस्ट थर्ड है,
लिस्ट थर्ड में क्या लिखा है, फेम, देखते हैं क्या होता है इसका। अप्रिसिएट, किसी को प्रशंसा करना। वेल्थ, ना मनी, पैसा एक तरीके से। पजल, जो आपके पेपर में आता है ना पजल, जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, सुगड़ू से बोलते हैं, या कई लोग उसको सुगड़ू बोलते हैं, उसको सड़गू बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो होता है, तो पजल मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाना, फंस जाना, तो लिस्ट भी सब मिला सकते हो। रेपुटेशन, कि भाई मेरी रेपुटेशन है, मेरी यहाँ पे इज्जत धात है, तो अब समझ गए उससे किसको मिलाना है। वेल्थ मतलब पैसा, तो रिच, सिंपल। किसी की तारीफ करना, किसी की एडमायर करना, किसी मतलब मैं आई ऑलवेज एडमायर मिस्टर बच्चन, मिस्टर बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना, कि मैं मिस्टर बच्चन को एडमायर करता हूँ, तो अप्रिसिएट करता हूँ, एग्जाम्पल तो हो गया, अब इसको हम देखते हैं रियल में। फेम, रेपुटेशन, अप्रिसिएट का एडमायर, वेल्थ का रिचेस, और पजल का कन्फ्यूज, ठीक है ना। एक बात बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आपको आप पहले गेस कर रहे हो ना, जब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपके कितने मैथ दी कॉल अप्रॉक्सीमेटली सही हो रहे हैं। डरिएगा मत, अगर 2 सही हो रहे हैं, 3 सही हो रहे हैं, 4 सही हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके कितने अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपके एक लिस्ट मतलब एक मैथ दी कॉलम आपको 3-4 वर्ड मीनिंग आ रहा, तो समझिए कि आपको वो मैथ दी कॉलम आ रहा है। तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके 2 मैथ दी कॉलम सही हुए हैं, 3 सही हुए हैं, या आपके एक मैथ दी कॉलम एक वर्ड ही सही हुआ है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करते रहें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसी हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। 4 जो आपका लिस्ट होगा वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो मैं अलग अलग बुक्स मैंने लेने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ पुरानी बुक्स हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हैं, अनसॉल्व्ड मतलब पुरानी आपके जो जिसको अनसॉल्व्ड जिसे बोलते हैं, मतलब जो सॉल्व नहीं हुआ, वो ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुए हैं और पिछले 4-5 साल से आए हुए हैं, उसमें से मैंने कुछ मैजिक कॉलम को मिलाया है, ठीक है ना, और कुछ आपके बुक से मिलाया है, अलग अलग बुक से, अब तो उसके लिए है। इंसिस्ट, किसी पे इंसिस्ट करना, देखते हैं क्या होता है। हैगल, नहीं पता है। प्रोटेस्ट, अभी हम जान चुके हैं उसका क्या होगा। रिलेक्टेंट, नहीं पता है। डिस्पेयर, नहीं पता। अलॉट ऑफ, जान चुके हैं, सॉरी टॉयल जान चुके हैं। अलॉट ऑफ, कुछ कई लोग जानते होंगे लेकिन कई लोग नहीं जानते होंगे, चलिए देखते हैं। इनफ, ये भी जान चुके हैं, जो जान चुके हैं उसको याद कर लीजिए। टॉयल्ड का वर्कड हार्ट होगा, लिस्ट 20 में लाइए। अलॉट ऑफ, कई कुछ मतलब ज़्यादा, उसका क्या होगा, ऊपर से मिलाते आएंगे तो मच मिलेगा आपको। इनफ, सफिशियंट, पता चल गया, ठीक। प्रोटेस्ट, किसी के खिलाफ बोलना, तो वही एक तरीके से स्पीक अगेंस्ट, ठीक। फिर जो बचा उसको मिलाते हैं, और देखिए अलॉट ऑफ हो गया है। इंसिस्ट देखते हैं, इंसिस्ट मतलब किसी पे आप इंसिस्ट करते हो, दबाव डालते हो कि भाई कर लो, प्लीज़ कर लो ना, ऐसा होता है ना, तो वही, या चलो ना, प्लीज़ चलो ना, मैच खेलने चलते हैं। वो बोल रहा नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं चलो मैच खेलते हैं, फिर आएंगे तो फिर पढ़ेंगे, तो आप इंसिस्ट कर रहे हो। मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार रिक्वेस्ट करके रिपीट कर रहे हो, ठीक। फिर जो आउट वर्ड है उसकी मीनिंग क्या होती है देखते हैं। तो देखिए इंसिस्ट का तो मैंने बता दिया। हैगल, बार्गेन करना, मतलब तरीके से बार्गेनिंग करना, कि पैसा कम देना। दुकानदार पर होता है ना, अब दुकानदार के पास जाते हो कोई सामान खरीदने, बड़ी महंगी सामान होती है 2-3 हज़ार की, तो आप बोलते हो भैया जरा इसको 2500 का दे दोगे, भैया आप जरा इसको 2000 दे दोगे, तो आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तोल मोल कर रहे हो। प्रोटेस्ट जान चुके हैं। रिलक्टेंट मतलब होता है नॉट विलिंग, इच्छा ना करना। डिस्पेयर, होपलेसनेस मतलब कि निराशा एक तरीके से, ठीक। 12 पता चल गया, लॉट ऑफ पता चल गया, इनफ पता चल गया, पता पहले से ही पता है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अब चलते हैं 5th लिस्ट में, उसमें क्या है। डिफरेंट, ये तो मतलब नॉर्मली सबको पता ही होगा, थोड़ा अलग। रिसेप्शन, जो नॉर्मली शादी के बाद होता है, तो हम वेलकम कर रहे होते हैं बहू का, पत्नी का, या एक नई फैमिली मेम्बर का, तो उसके स्वागत के लिए हम रिसेप्शन रखते हैं। वो कई लोग पहले रख लेते हैं, कई लोग बाद में रखते हैं, नॉर्मली बाद में रखा जाता है शादी के। बिसाइड, के अलावा। फिर इनथ्रेल, ये आपको नया वर्ड मिला है तो चेक कर लेते हैं, ठीक। डिफरेंट का किससे मिलेगा, अनलाइक से मिलेगा। रिसेप्शन का वेलकम से, वेलकम करते हैं। और बिसाइड का इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, ये जो जोड़ने के बाद इसके अलावा, तो बचा क्या, चार्म बचा। इनथ्रेल मतलब क्या हो गया, चार्म। तो ये भी एक तरीका गैस करने का कि आपको जो आ रहा है उसको मिलाते रहिए, जो नहीं आ रहा उसको बाद में आप मिला देंगे। तो लिस्ट 6 देखते हैं, मिला अभी हमने लिस्ट 6 से पहले, जिस तरह इसको मैच कर लेते हैं। डिफरेंट का हमने बता दिया अनलाइक, रिसेप्शन का वेलकम, बिसाइड का एडिशन टू, और इनथ्रेल्ड का चार्म्ड। अब हम लेते हैं लिस्ट 6। लिस्ट 6 में क्या होता है, प्रोसीड, कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं पता होगा।
अमेबल, अमेबल भी कई लोग को पता नहीं होगा, वैरिंग 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 में नहीं पता होगा कई लोग को, रिस्पॉन्ड ये तो आप हो सकता है कई लोग को पता हो, रिस्पॉन्ड किसी चीज़ का आप जवाब जब दे रहे होते हो, जब प्रतिक्रिया दे रहे होते हो तो रिएक्ट, ठीक है समझ में आ गया। प्रोसीड किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, तो टू गो फॉरवर्ड होता है, टू गो फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। अमिएबल मतलब कि एक तरीके से दोस्ताना, बड़ा ही एक अच्छी फीलिंग, दोस्त वाली फीलिंग, तो वो फ्रेंडली। वैरिंग मतलब होता है चेंजिंग, जो बदलता रहता है, बोलते हैं ना कि ये जो इंडिया है बहुत वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब जो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से बना हुआ, अलग अलग चीज़ों से एक तरीके से वेराइटीज़ यहाँ पे हैं, तो वही वेयरिंग से ही वो सब वर्ड धीरे धीरे बने हुए हैं। ठीक, मिला ये देखिए, प्रोसीड का टू गो फॉरवर्ड, अमेबल का फ्रेंडली, वेयरिंग का चेंजिंग, रिस्पॉन्ड का रिएक्ट। आठ मैच मतलब सॉरी मैंने 10 मैच दी कॉलम किए हैं, ये छठवां है। अब चलते हैं सातवें मैच दी कॉलम पे, बिसाइड पता चल गया है, एज कोना होता है, ग्रेविटी जो आपको पता है जो घींचता है आपको नीचे की ओर, वो होता है। एक और होता है कि आप दुख होते हो या आप बहुत सीरियस होते हो, तो उसको भी कहते हैं इनथ्रेल्ड, पता चल गया। तो अब मिला लीजिए बिसाइड का क्या होगा, कोना, तो कोना क्या होता है, नॉर्मली किसी चीज़ का आखिरी होता है, किसी सड़क का आखिरी कोना होता है, फिर वहाँ से दूसरी सड़क मतलब ज्वाइन हुई होती है वो हो जाती है, ठीक है ना। तो एंड आप कह सकते हो एक तरीके से, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि प्लीज़ ये मत समझिएगा कि एक वर्ड की मीनिंग एग्जैक्ट दूसरे वर्ड से मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं मिल सकती, 1-to-1 या बोल सकते हैं 100% नहीं मिल सकती है। हम उस वर्ड को मैच करते हैं जो उससे कुछ रिलेटेड, पर्यायवाची हो, उससे संबंधित हो, उससे रिलेट हो, एकदम एग्जैक्ट कभी भी वर्ड कोई नहीं मिलता। ये मैथ नहीं है जिसमें 2 = 4 - 2 होता है, मतलब कि 4 - 2 लिखो तभी 2 आएगा और 2 लिखो तभी 2 आएगा, ऐसा इसमें इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि 2 मतलब 2 ही, आप 2 को 3 - 1 नहीं लिख सकते हो, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी पे चलते हैं कि कौन ज़्यादा सिमिलर वर्ड लग रहा है, तो देख लेते हैं आप सीधे सीधे। बिसाइड का इन एडिशन टू, एज कोना एंड ग्रेविटी, जैसे मैंने बताया कि गंभीरता सीरियसनेस, इनथ्रेल्ड पहले जान चुके हैं, चार्म्ड। अब चलते हैं हम एट्थ लिस्ट पे, हे आप पढ़े होगे, आप चैप्टर पढ़े होगे भूसे के बारे में, तो हे मतलब भूसा, एट लेंथ मतलब दूरी तक या कुछ आगे तक, टैलेंट गुड क्वालिटी, रिलक्टेंट ये भी हम जान चुके हैं, तो रिलक्टेंट इच्छा ना करना, अनविलिंग, टैलेंट जिसके अंदर नेचुरल स्किल होता है, पहले से स्किल भरा होता है कि यार इसके अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट था, ये बहुत बढ़िया क्या कहते हैं बैटिंग करता था, ये बहुत बढ़िया पढ़ाई करता था, ये बहुत बढ़िया टेनिस खेलता था, तो ये टैलेंट बचपन से उसको अंदर है, बचपन से खेलता था तो उसके अंदर आ गया, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना, तो वही नेचुरल स्किल। हे क्या होता है, ड्राइड घास, सूखा घास, भूसा इसे बोलते हैं, तो सूखे घास को तो भूसा कहते हैं वो। एट लेंथ मतलब कुछ आगे तक या दूरी तक, एट लास्ट आखिरी तक भी बोल सकते हैं हम, ठीक। तो नौवां लिस्ट है वो क्या है, सॉरी आठवां लिस्ट, गलती हो गई, आठवां लिस्ट में आप देख सकते हो हे का ड्राई ग्रास, एट लेंथ का एट लास्ट, टैलेंट का नेचुरल स्किल, रिलक्टेंट का अनविलिंग। बार बार मैं भूल जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ, तो मेरे माइंड में चल जा रहा है कि मैं नेक्स्ट क्या तरीके से मैच द कॉलम पर जा रहा हूँ। अब चलते हैं आपका नौवें मैच द कॉलम पर, इनफ जा चुके हैं, इन द कोर्स ऑफ नहीं पता है, ट्वेल्थ पता है, डिसकॉन्सोलेटली सॉरी डिसकॉन्सोलेटली कॉन्सोलेटली, तो ये 2 वर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा, इन द कोर्स ऑफ और डिसकॉन्सोलेटली, तो इनफ का पता है सफिशियंट होगा, ट्वेल्थ का वर्कड हार्ड। अब देखिए इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ मतलब इसके दरमियान, ध्यान समझिएगा ये एक फ्रेज है, सॉरी ईडियम है जिसका मतलब होता है इसके दरमियान, या फ्रेज ही बोल सकते हो। तो इन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग समझिए, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान ना, और फिर बचा क्या, वह वेरी अनहैप्पली, डिसकॉन्सोलेटली, कॉन्सोलेटली मतलब होता है बड़े आराम से, बड़े मस्त तरीके से, और डिसकॉन्सोलेटली मतलब होता है कि निराशाजनक तरीके से, या आप खुश नहीं हो उस चीज़ से वो आप कर रहे हो, तो उसको हम यूज़ करते हैं। मिला लीजिए इनफ सफिशियंट इन कोर्स ऑफ ड्यूरिंग टोल्ड वर्क हार्ड और डिसकॉन्सोलेटली सॉरी डिसकॉन्सोलेटली मतलब होता है वेरी अनहैप्पली, मतलब कि बहुत दुखी तरीके से। फिर टेंथ लास्ट ये मैथ कॉलम, पाइल नहीं पता कई लोग को, नेटिव हार्ड, नेटिव मतलब सॉरी नेटिव लैंड, नेटिव मतलब होता है कि जो आपका जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ से आप जन्म हुआ, जहाँ से आप ब्रिंगिंग हुई है, जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग, लैंड होता है जमीन।
कल्टिवेट उगाना एक तरीके से, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, तो प्रोड्यूस एन इफेक्ट, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, एक देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। पुट इन अ हीप, किसी चीज़ को हीप में रख देना, मदर लैंड, तो मदर लैंड, लैंड मिल गया तो समझ गया तो किसका किसको मिलाना है। कल्टिवेट नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए पहले मैच करते हैं फिर बताता हूँ मैं। देखिए पाइल मतलब होता है पुट इन ए डिप, किसी चीज़ को अंदर डालना है, सॉरी पुट इन ए हीप, हीप में डालना एक तरीके से, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। नेटिव लैंड, मदर लैंड, कल्टिवेट, डेवलप, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रोड्यूस एंड इफेक्ट, एक एक प्रभाव को प्रोड्यूस करना, बनाना, इन्फ्लुएंस। देखिए एग्जैक्टली मीनिंग तो कभी हो नहीं सकती, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है ना, तो प्रोड्यूस एंड इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि हम सिमिलर वर्ड को पकड़ते हैं ना कि एग्जैक्ट वर्ड को, ठीक है ना, तो हम सिमिलर वर्ड को हमने पकड़ा, उससे हमने मैच कर दिया। तो ये आपके टेन मैच दी कॉलम थे, जो हो सकता है इसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए, और एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है कि आपको एक चैप्टर से एक वर्ड है, दूसरे चैप्टर से दूसरा वर्ड है, तीसरे चैप्टर से तीसरा वर्ड, ऐसे भी होता है। तो बी प्रिपेयर्ड, और बहुत कठिन परिश्रम करना है आपको, बहुत मेहनत से करिए, मन से करिए, जरूर पास होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, और फ्यूचर में आपको काम देगा, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, सॉरी रिलेटेड हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने मैथ दी कॉलम या कितने वर्ड सही हुए, प्लीज़। और अपने दोस्तों जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, आपको आगे के नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहेगी, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, काफ़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ इसको जितना हो सकता है उतना फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।